अकीदे की हिफाजत करो, अपने बच्चों को बताओ। लोग कहते हैं कि अगर कोई कादियानी हमें मिल गया और हम उसके साथ बैठ गए और उसके साथ मुलाकात कर ली और उसके साथ मेलजोल कर लिया तो उससे क्या होगा। उस भाई से हम ये पूछते हैं कि अगर कोयले की दुकान पर बैठ जाओ तो मेरे भाई मेरी बहन कोयले की दुकान पर कोयले की दुकान पर कोयला काला होता है, उसका बुरादा भी झड़ता है, तो कोयले की दुकान पर बैठने से भाई कपड़े का काला मैल आता है कि नहीं आता? कहते हैं कि आता है। और कुत्ते के पास अगर कोई बैठेगा तो कुत्ते के मुंह में से राल टपकती है, वो थूक लगेगा या नहीं लगेगा? तो ऐसे ही दुनिया के इन कुत्तों के पास अगर बैठा जाएगा तो वो जो राल टपकती है और जगह जगह वो गंदगी फैलाते हैं तो घर भी गंदा होगा अगर वो आएगा। आप अपने घर में कुत्ता क्यों नहीं रखते? उनका गंदा हो जाएगा। बराबर से क्यों नहीं गुजरते? उनका गंदा हो जाएगा। कुत्ता है, कहीं ना कहीं चलते चलते टांग उठा के पेशाब कर देता है, तो बचना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, कुत्ता चलते 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 कुत्ता टांग उठाता है, टांग उठा के पेशाब कर देता है। तो अब आप जब कुत्ते को देखेंगे तो आप बचेंगे। ऐसे ही जिनसे ईमान पर गंदगी के छींटे लगे, जिनसे ईमान पर गंदगी के छींटे लगे, जिनसे ईमान साफ सुथरा है उस पर कोयले के छींटे पड़े, कोयले के बुरादा पड़े और कालक लगे, इसको ईमान को बचाओ, साफ सुथरा नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरा हुआ ईमान मिला है, इस ईमान को साफ सुथरा रखो। और रसूलुल्लाह हुजूर पर नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इस ईमान को अपने रोशन रखो, इस अकीदे की हिफाजत करो। और अगर सोहबत बुरे लोगों की, इस्लाम के दुश्मनों की सोहबत में, और खास तौर से मर्जाई कादियानी रसूलुल्लाह की नबूवत के दुश्मन है, दुश्मनान खत्म नबूवत से, मेल जोल से, मिलने जुलने से ईमान पर जो धब्बे लग जाएंगे उनको, उनसे ईमान को बचाओ। ये हमारा और आपका फरीजा है। और ईमान के बचाने के लिए तो मेरे मोहतरम भाई सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपनी जानों का नजराना पेश कर देते थे, ईमान बचा लेते थे। देखो मक्के शरीफ से ईमान बचाकर सहाबा मक्के शरीफ से ईमान बचा कर ले आए, जायदाद, मकान, दुकान, कारोबार सब मक्के में छोड़ दिया, सब मदीने शरीफ आ गए। यह मालूम यह हुआ कि ईमान कीमती है, जायदाद है, मकान है, कारोबार है, ये सब बाद की चीजें हैं, ये सब दुनिया की चीजें हैं, असल जो है वो ईमान है, इसकी हिफाजत जरूरी है। और वही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार इरशाद फरमाता है। और हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए, और इस मुल्क में रहकर खास तौर से बुराइयों से बचते हुए, बुराइयों से बचते हुए ईमान की हिफाजत को, ईमान की हिफाजत करते हुए जब आप कयामत के दिन हुजूर के दरबार में पेश होंगे, कब्र में हुजूर के सामने पेश होंगे, तो आप यकीन रखें कि जो ईमान का नूर आप लेकर गए हैं, हुजूर फरनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के आप हकदार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनहगार और सियाहकार को भी, आपके और हमें सबको अकीदे खत्म नबूवत की हिफाजत की तौफीक व सआदत अता फरमाए। और अकीदे खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए मस्जिदों की हिफाजत, जामिया की हिफाजत, दारुल उलूम की हिफाजत, ये सब मरकज है, इन सब की हिफाजत, ये भी ईमान का हिस्सा है। अब हम खड़े हों और दरबारे